120 शब्द प्रति मिनट स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगा कुछ ही सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो प्रस्ताव हम लोगों के सामने इस सदन में रखा गया वह सचमुच में एक विचारणीय विषय है। आज हमारे देश की हालत किसी से छिपी नहीं। हर आदमी जानता है कि देश के कई भागों में वर्षा नहीं हुई। इसके कारण देश के कई हिस्सों में, जिनमें कि बिहार प्रमुख है, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चाहे हम इस बात से कितना भी इनकार क्यों ना करें कि अभी तक भूख से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है कि अब ऐसी स्थिति होने में कोई कसर नहीं रह गई है। आप यह समझ लीजिए कि किसी दिन भी आपको ऐसा अवसर मिल सकता है कि अमुक स्थान में भूख से इतने आदमियों की मृत्यु हो गई और इतने पशु समाप्त हो गए। पैरा, मैंने स्वयं इन इलाकों का दौरा किया है, करीब करीब हर गांव और कस्बे को देखा है। मैं जहां भी गया हूं, वहीं एक जैसी दुख भरी कहानी सुनने को मिली। हर ग्रामवासी के मुंह पर एक ही शिकायत है कि इस साल हमारा क्या होगा। उनके पास अनाज का भंडार समाप्त हो गया है, पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं है और सरकार द्वारा कोई उचित प्रबंध अभी तक नहीं हुआ। बेशक सस्ते गल्ले की बहुत सारे दुकानें खोलकर सरकार ने इस दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है, किंतु यह दुकानें अभी बहुत कम संख्या में है और गांवों से बहुत दूर दूर भी है। इन दुकानों की दूरी और भी इसलिए अखरती है क्योंकि आजकल पानी न होने से ग्रामवासी किसी और मेहनत मजदूरी की तलाश में लगे रहते हैं। ऐसे समय में यदि उन्हें अनाज प्राप्त करने के लिए अपने गांव से मीलों दूर जाना पड़े और उनके आने जाने में ही पूरा दिन समाप्त हो जाए, तो फिर आप ही बताइए वे बेचारे क्या करें। इसलिए जहां हम एक ओर यह ध्यान दे रहे हैं कि सस्ते अनाज की दुकानें खोली जावे, वहां दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि इन दुकानों की दूरी 1-2 मील से अधिक ना हो। भले ही इसके लिए हमें कुछ अधिक दुकानें खोलनी पड़े, यह एक आवश्यक बात है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि कुछ अधिक खर्च भी हो, लेकिन ऐसा न करने से काम न चलेगा। पैरा, हम सब जानते हैं कि किसी भी देश में अगर सामाजिक न्याय की बुनियाद न डाले जाए तो उस देश की आज़ादी पूरी नहीं मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हम इस देश में एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारे देश में असमानता कम हो, जनता के अंदर संतोष बढ़े, उसकी गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी दूर हो और ये चीजें जो हमारे सामने डरावनी शक्ल में मौजूद है उनको किस प्रकार से मिटाया जाए, यह सवाल आज हमारे देश के सामने बहुत बड़ा सवाल है। हमारे देश के नेताओं ने यह फैसला किया है कि सारे हिंदुस्तान में अचल संपत्ति के बारे में कोई कानून बनाया जाए जिससे देश के अंदर जो असमानता है वह दूर हो सके और उसको कम किया जा सके। आज हमारे देश में असमानता एक भयानक रूप में खड़ी है, हालांकि हमारे देश के अंदर आय भी कुछ बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में वह संतोष नहीं है, वह बुनियादी चीज़ें नहीं हैं जिसके बल पर हम इस देश में असमानता कम से कम कर सकें।
यही कारण है कि यह प्रस्ताव आज यहाँ पर लाया गया है। कई राज्यों में बिल के शक्ल में भी चीजें सामने आई है। स्टॉप। डेली इसी तरह के न्यू डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।